dear children, welcome to all of you in english class and hope that all of you are well at your home. dear children, today we read chapter 3, that is the desert of your book, an alien hand. dear children, i divided this chapter in two parts. today we read the first part, that is comprehension 1. let's start. dear children, let's read first highlighted points of this chapter. a desert is generally without water and vegetation. बिना पानी वाले वनस्पति के होते हैं अ ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ ए वास्ट डेजर्ट इज ए ब्यूटीफुल साइट रेगिस्तान के मध्य में ताजे पानी और हरे पेड़ों का हरा भूभाग बहुत सुंदर स्थान होता है अ डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड रेगिस्तान अधिक गर्म या अधिक ठंडे हो सकते हैं लेट्स स्टार्ट द चैप्टर

यह एक रेत का अंतहीन भाग है जहाँ बारिश नहीं होती है और इसलिए वहाँ पेड़ पौधे भी नहीं उगते इट इज ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर यह एक शुष्क गर्म और बिना पानी के और बिना छाया वाला भाग है बट दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट परंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी ए ब्यूटिफुल प्लेस जिन लोगों ने इनको ध्यान से समझा है वो जानते हैं कि रेगिस्तान भी एक सुंदर जगह हो सकती है इट इज द होम ऑफ ए वेराइटी ऑफ पीपल एनिमल एंड प्लांट्स हैव टू अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। यह उन विभिन्न प्रकार के लोगों जानवरों और पौधों के लिए उनका घर हो सकता है जिन्होंने अति सूखे और गर्म वातावरण में जीना सीख लिया है ट्रू द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय ए कवर ऑफ ग्रास प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज इन अदर क्लाइमेट्स यह सही है ज़मीन जो है वह हमेशा विभिन्न मौसमों के कारण घास पौधों और पेड़ों से नहीं ढकी रह सकती बट वैन एवर इट रेन्स विच इज़ रेयर डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन परंतु जब भी बारिश होती है जब कभी भी तो यहाँ रेगिस्तान के फूल उगने लगते हैं और यह जगह भी सुंदर हरियाली बगीचे की तरह लगने लगती है अ डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड रेगिस्तान हमेशा समतल नहीं होता है ना ही रेत से बनी बंजर भूमि है इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स यहाँ पहाड़ी और पठार भी हो सकते हैं इट मे हैव एन ऑयसिस बिग और स्मॉल यहाँ छोटे या बड़े ऑयसिस भी हो सकते हैं एंड ऑयसिस इज लाइक ए ग्रीन आईलैंड इन द मिडल ऑफ ए डेजर्ट वेर अ स्प्रिंग और आ वेल गिवस प्लांट्स एंड ट्रीज आ बेटर चांस टू भूभाग होता है जहाँ या कुएं की सहायता से पौधे और पेड़ों की उगने में सहायता की जा सकती है like thar, like रेगिस्तान थार मरुस्तल की तरह बहुत गर्म भी हो सकते हैं या लद्दाख की तरह बहुत ठंडे भी हो सकते हैं बट जनरली स्पीकिंग इफ अ प्लेस हैज लिटल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजली कॉल इट एन डेजर्ट परंतु आमतौर पर कहें तो वह स्थान जहाँ बहुत कम या कुछ भी नहीं पानी और वनस्पति पाई जाती है लोग उसे रेगिस्तान कहते हैं सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर कुछ रेगिस्तान लगभग पानी के बिना होते हैं इन सच केसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग एज माउंट्स दीज आर कार्ड सैंड ड्यून्स दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट्स इन स्थानों में तेज हवा के साथ रेत चलती है और टीबे की तरह इकट्ठी हो जाती है जिसे हम रेत के टापू भी कहते हैं जो हमेशा रेगिस्तान में बदलते और घूमते रहते हैं फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स कुछ पौधे इस बदलने वाली रेत में भी जीवित रहते हैं सो डियर चिल्ड्रन दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉम्प्रीहेंशन वन ऑफ दिस चैप्टर I hope that you understand this part. Dear children, there is a worksheet along with this video. Finally, solve the questions given in the worksheet so that you can make more understanding about this chapter. Thank you, be happy, and safe.